जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। तीज की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही हूँ, फिर मार्केट से आकर के दिखाती हूँ कि मैं तीज के लिए क्या क्या ली हूँ। और मैं अब बाइक में बैठ करके अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही हूँ। अब मैं शॉप पे पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे पूजा की सामग्री ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसा दुकान में लेके आए हैं जहाँ पर मेरे को हर एक चीज़ एक ही दुकान में मिल गया। बहुत सारा चीज़ तो मेरे को याद भी नहीं था, यहाँ पे मेरे को देख करके सब याद आते गया कि ये सब चीज़ भी लेना है। फिर मैं हर एक चीज़ ली, कुछ भी चीज़ नहीं भूली। और यहाँ पर मैं मंडप सजाने के लिए कुछ कुछ सामान ले रही थी, कुछ कुछ तो था हमारे पास पहले से ही, और कुछ कुछ ले रही थी कि इसको लगाने से और ज़्यादा सुंदर मेरा मंडप दिखेगा। तो वही पूछ रही थी, इनसे पूछ रही थी कि ये वाला ले लूँ ये वाला ले लूँ, तो ये बोले थे तेरे को जो लेना है वो ले ले। और जब मैं पूजा की पूरी सामग्री ले लेती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं, उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद घर का सारा काम ख़त्म करके करीब 11:30 या 12:15 बजे मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाने के लिए बैठती हूँ और 1-1:30 बजे फिर होता है हमारा मेहंदी कंप्लीट। सुबह की वीडियो है, यहाँ पर मैं जो मार्केट से पूजा का सामान लाई थी उसी को एक बड़े से परात में सजा रही हूँ। के सामान को एक बड़े से परात में रख दी हूँ और अब जा रही हूँ मंडप सजाने के लिए। और जब मैं मंडप को सजा रही थी तो मेरा बेटा यहाँ पे बार बार आकर के मेरे को तंग कर रहा था। और कुछ देर के बाद मैं केला के पत्ते को और आम के पत्ते को अपने मंडप में सजाती हूँ। और जब मैं पूरा मंडप को सजा लेती हूँ उसके बाद तीज की पूजा करने के लिए तैयार होने के लिए चली जाती हूँ। और दोस्तों मैं उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।